नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। भारत ने चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत ने चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की। मोदी सरकार ने चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें, LAC पर जारी तनाव को दूर करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और दौर की बातचीत होगी। इस बातचीत से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और टिकटॉक, यूसी ब्राउजर सहित चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन का सामना करना पड़ा है, उनमें शेयर इट, हेलो, यूजी ब्राउजर, लाइकी और वी चैट समेत कुल 59 ऐप भी शामिल हैं। चीनी ऐप टिकटॉक को सितंबर 2019 में 60 मिलियन से अधिक इंस्टॉल किया गया, जो दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड की जाने वाली सोशल मीडिया ऐप बन गई थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत 44% डाउनलोड के साथ टॉप पर था। टिकटॉक ने इस साल पूरी दुनिया भर में करीब 40,000 नई नौकरियां दी। ऐसा कंपनी ने उस दौर में किया जब तमाम जगह से लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था। आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से इस फैसले पर जारी बयान में कहा गया, हमारे पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ये ऐप्स कुछ ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं जो भारत की सुरक्षा और रक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है। केंद्र सरकार ने कहा कि इन ऐप्स का मोबाइल और नॉन मोबाइल बेस्ड इंटरनेट डिवाइसेस से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको बता दें, टिकटॉक भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। इस ऐप की वजह से काफ़ी लोग पॉपुलर भी हुए हैं, जिन्हें आज टिकटॉक स्टार के नाम से जाना जाने लगा है। क्रिकेटर्स से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक टिकटॉक यूज़ करते हैं। टिकटॉक की पैरेंट कंपनी ByteDance है, जिस कंपनी के कई ऐप्स भारत में एक्टिव हैं। दुनिया भर में इसके करीब 40 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें से करीब 41% यूजर्स की उम्र 16 से 24 साल की है। आपको बताने, सरकार की ओर से ये कहा गया है कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। हाल ही में ये ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है। हाँ, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।